तो पानी की वजह से ये ख़ारिश हुई और ये पाँव पे दाना निकला है, और इसकी वजह से गौशाला ये सारे ये निशान सारे नज़र आ रहे हैं आप। इसी वजह से पानी बहुत गंदा यहाँ का, सिर्फ ये गैस की वजह से। ये गैस बथेरा साढ़े डंगर मर जाते हैं, अखाँ च पैंदा, अखाँ दुखनिया आ जाए, नजूल चालू हो जाता, ये नहीं साढ़े मगरों लगी। सब कोई इनकी प्रॉब्लम ये है कि दुएं की जड़ा ना उनकी वजह तो अस सह नहीं गिन सकते। तकरीबन 5 साल से हेपेटाइटिस का मैं मरीज हूँ, और इसकी बेसिक वजह जो है मुझे इनके पानी जो हमारे इस इलाके का है वो उनके इतना फ़ायदेमंद नहीं है। तकरीबन हमारे इस एरिया में जो मेरे इनके मुताबिक कम अज़ कम 15-20 अफराद होंगे जो इस मर्ज में मुतला हैं। जो यहाँ पर इमराज हैं उनमें जल्दी इमराज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, सांस की बीमारी के भी पेशेंट ज़्यादा हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पानी जो है ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो ख़राब हो चुका है, फैक्ट्री एरिया करीब होने की वजह से ये फैक्ट्री का जो ये नाला वगैरह गुजर रहा है, नाले का जो पानी है इसमें काफ़ी केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं, इसमें कुछ आर्सेनिक की मकदार जो है ना वो भी आ रही है। कंटेमिनेशन जो है दो किस्म की है, एक कीमियाई है और एक बैक्टीरिया है। जो कीमियाई है उसमें ज़्यादातर जो वजूहत हैं वो ये है कि पानी के जो ठोस फुल ठोस अज़ा की मकदार है वो आलमदार सेहत के मियार से ज़्यादा है, और वो 1500 ppm है, उससे ज़्यादा हो जाती है। या इसकी वजह होती है सल्फेट का ज़्यादा होना, वो 400 mg पर लीटर है, उससे ज़्यादा हो गया तो पानी ठीक नहीं है। इसके अलावा आयरन की ज़्यादती हो जाना, या आर्सेनिक जो संख्या जिसे कहते हैं वो उसका मियार है 50 ppb, जो इस पंजाब में चल रहा है या पूरे हमारे एशिया साउथ एशिया में चल रहा है तकरीबन। क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसमें जो तकरीबन जो लेवल है आलमी दार सेहत के मुताबिक वो ये चल रहा है 50 ppb। ये जो नज़र आने वाली जगह है ये कोई मट्टी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये खाद फैक्ट्री का, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का वो सॉलिड वेस्ट है जो यहाँ पर ओपन डंप किया जाता है, और इसका अंदाज़ा जो है आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये जो है ये मट्टी नहीं है बल्कि ये उसका सॉलिड वेस्ट है जो वाइट कलर में है, जिसके डलने से जो है ज़मीन बिल्कुल किसी भी काम की नहीं रहती। यहाँ पे हम तकरीबन 10 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे पानी किसी पीने के काबिल नहीं है। पीते हैं उल्टी वगैरह आ जाती हैं, मोशन लग जाती है उनको। बच्चों के लिए बड़ा मसला है, पेट का दर्द, पेचिस वगैरह, ये चीज़ें बीमारियाँ तो आम है ना, तो ख़्वाहिश वगैरह ये जल्द की बीमारियाँ ये मामूली बातें हैं। यहाँ पे बच्चे सारे यकदम पानी बहर दबार के पैदा पे दर्द, सारे बीमार थे जहाँ लग गए थे ना खारा सिंह उसके जगह जो पानी जो है बिल्कुल खारा है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो नमाजियों के लिए भी मुश्किलात का सामना है। दान में भी इसके साथ के 6 लगे हुए हैं, हमारे पास भी है कि उन्होंने इजाज़त दी लोकल गवर्नमेंट को, कहा कि ये लगाएं। लोकल गवर्नमेंट ने ये प्लांट लगाया है, प्लांट लगाने से हमारे इस मुजफ्फराबाद के अंदर इतना फ़ायदा हुआ है ना इस पानी का, साफ पानी का, जिसके अंदर कोई 4 से 5 UC जो है ना इस प्लांट से पानी भर के लेके जाती हैं। टेस्ट वगैरह भी करवाया पानी का, और गाय वगैरह हम इसको मेनटेन भी रखते हैं, और ये हम खुद से चला रहे हैं ये प्योरिफिकेशन प्लांट। कच्ची आबादी के साथ ही आप जाके देखें कि बहुत बहुत गंदा नाला बह रहा है, तो वो जो मोटर ज़मीन से पानी खींचती है तो ज़ाहिर है वो बदबूदार होता है, वो भी पीने के काबिल नहीं होता। पानी के फिल्टर जो लगे हुए हैं वो इन आबादियों से इतनी दूर है कि सारा दिन तो आने जाने में लग जाए, तो गरीब आदमी क्या रोज़ी करे, क्या वो नौकरी पर जाए, क्या अपने बच्चों के लिए कमा के लेके आए, सारा दिन मेरे ख्याल वो पानी भरने में लगा रहे, इतनी दूर तो फिल्टर लगे हुए हैं। मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ,
और मैं ये समझती हूँ कि साफ पानी कितना फ़ायदेमंद है और ख़राब पानी के क्या नुकसान हो सकते हैं। जिस वक्त बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं बीमार होकर, तो उन्हें ये हम समझाते हैं कि आप पानी को उबाल लें, पानी को उबाल के ठंडा करके वो इस्तेमाल करें। अपनी जो आपकी नालियाँ हैं या जो सीवर का सिस्टम है उसमें ब्लॉकिंग ना हो, ठीक है। आपके जो पानी के पाइप्स आपके घर के अंदर लगे हुए हैं कहीं उसमें लीकेज वगैरह ना हो, ठीक है ना। और जो आपके अगर आपने घर में फ़िल्टर लगाया हुआ है उसको चेक करें, पानी उसमें से गुजार के चेक करें, और उसको पानी को फ्रेश निकालें, थोड़ी देर 2-3 मिनट निकाल के फ्रेश, उसे पानी खड़ा ना रहने दें, उसको लेकर फिर बॉयल करके गर्म करके आप पीने। यहाँ लोगों घरों में कोई गैस नहीं है, लोग पता नहीं अपने चूल्हे कैसे जलाते हैं, तो वो कहाँ से वो रोज़ पानी गर्म करके उबालेंगे और कहाँ जाके वो फिर ठंडा करेंगे, क्योंकि फ्रिज तो लोगों के घरों में है नहीं जो ठंडा करके इतना पानी इस्तेमाल करेंगे। गंदा पानी, गंदगी है सारी, हमारे बच्चे बीमार हुए पड़े हैं पानी पी पी के गंदा, वो जब पानी भर के रखना इतने तरह गंद नीचे जमा हो जाता। हम भी इंसान हैं, हम भी, हमारे को भी हक है साफ पानी पीने का, अच्छी जिंदगी जीने का, पर कोई भी नहीं सुनता। हमने 10 चक्कर गया नाजिम के पास, गया नाजिम हमारी नहीं सुनी किसी ने भी, इसलिए सर दफ्तर वालों ने भी नहीं सुनी हमारी बिल्कुल भी। लोगों के पास जो है वो लोकल नॉलेज होता है और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास टेक्निकल नॉलेज है, और वो स्कीम जो लोगों के लोकल नॉलेज और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टेक्निकल नॉलेज से मिलकर बनती है वो हमेशा कामयाब स्कीम होती है, वो हमेशा बहुत अच्छी स्कीम होती है। छोटे छोटे हमारे 7 बच्चे हैं, हमारे मियाँ का भी काम इतना नहीं है, सब बीमार रहते हैं, कभी इनके पेट में दर्द, कभी इनको बुखार, कभी क्या, जितना आती आमदन उतने खर्चों में लग जाती है। मेरे अब्बू जब हम यहाँ पर आए हैं तो पानी का बहुत ज़्यादा मसला था, पानी ख़राब था, मेरे अब्बू को उससे हेपेटाइटिस बी हो गया और उसी से कैंसर हो गया, और मेरे अब्बू की एक्सपायर हो गए थे तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर। मगर मेरी नौन थोड़ा अरसा होया, मैं उसकी शादी की थी, 3 छोटे छोटे बच्चे आ, जो घर की चीज़ सी मैं बेच के अपनी नौ ते लाती, उन्हें भी यही जरकान ते की कहते ने पेट च पानी पै गया, विचे कैंसर हो गया, वह भी जो कुछ किया वह भी 2 महीने के अंदर अंदर वह भी कबर च चली गई। 15-16 साल हो गए आही मसला जरा देख रहे, ना उरे लाइट आ, पानी वो खराब, गंदगी और ज़्यादा, तो आप देख रहे हैं, तो होर असं थोड़ा की दिखाई।